guys, what up everybody? It's your Dan Easy Hand back to the game with a new video, baby. Alright, so hey guys, what's up everybody? Welcome back to another vlog. अभी हम लोग तीन नहीं हैं actually. एक बंदा ऑलरेडी फ्लाइट पकड़ के मुंबई के लिए निकल चुका है, आप लोगों ने ऑलरेडी लास्ट ब्लॉग में देख लिया होगा. सो खलफान भाई अभी दिल्ली पहुंचे हैं और मे भी जब तक आप लोग ये ब्लॉग देखोगे तब तक वो ऑलरेडी मुंबई पहुंचे, थोड़े से पुराने भी हो चुके होंगे. अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, हम लोग लेह से निकल चुके हैं गाइस. आज हम लोग कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं रुकेंगे हम लोग पता नहीं, हो सकता है हम इसमें रुके, हो सकता है हम लोग पंग में रुके, मगर हम लोग मनाली से डायरेक्टली आज पहुँच नहीं पाएंगे. सो जो भी होगा जैसे भी होगा आप लोगों को देखने मिल जाएगा और फनाफिल्ला गिल्ला हो जाएगा. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences. Chalo, bye uncle. सो गाइज यहाँ पे हम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए रुकाया था. मॉर्निंग में हम लोगों को कैफे में कुछ दोस्त लोग मिले थे, कुछ भाई लोग मिले थे, तो उन लोगों ने हम लोगों को बोला कि अगर आप लोग मनाली जा रहे हो तो एक न्यू रास्ता बनाया है इंडियन आर्मी ने जंस्कार से, सो यू गाइज कैन ट्राई. मगर वो गूगल मैप पर दिखता नहीं है. हम लोगों ने सोचा था जाएंगे, मगर फिर बाद में हम लोगों ने सोचा कि जब गूगल मैप पर नहीं दिख रहा है तो जाना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं होगा, बिकॉज दो दिन लगते वो रास्ता क्लियर करने में, इंटरनेट नहीं होता, कुछ कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती जैसे कि पैंगोंग में होता है. सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नॉर्मल जो रूट है वही लेंगे. और अंकल वही बता रहे थे कि थोड़ा सा स्लो चलना बिकॉज रास्ते थोड़े से ऐसे में से हैं. जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जो लोग नेचर लवर एडवेंचर लवर हैं, उन लोगों को पता है कि हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. एंड यार गाइस देखो ये क्या खूबसूरती है यार, आई लव इट भाई, यू लव इट. आज फनाफिल्ला थोड़ा सा सैड है बिकॉज खलफान भाई चले गए, तो समझ रहे ना लाड़ी भाई, तो समझ आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, कुछ चीजें हम लोग प्राइवेट रखते हैं. ओह गाइस माउंटेन में आप लोगों को कितने दिखाओ, मैं खुद देख देख कर थक गया हूं. गाइस अभी सुसु करने के बाद हम लोग ऐसे कुछ छोटे मोटे बर्फीले पहाड़ों के बीच में से निकल रहे हैं, मगर एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, आप लोग देख सकते हो ये कोई क्लाउड नहीं है, ये एक्चुअली चांद है, और इतनी धूप में चांद दिख रहा है, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसा क्यों है. Speak but oh nothing, we run our separate ways. Do you ever think about me? Okay guys, so अभी 6:09 और हम लोग ऐसे कुछ चट्टानों के बीच में हैं. दूर दूर तक ना बंदा है ना बंदे की जात, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा हम लोगों को पहुंचने में. गाड़ी में हीटर भी ऑन कर दिया, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, मेरे होट से आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है. अभी दिखाएंगे और बदन गर्म करेंगे. लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. Or are you busy with someone else? You and I, we got our differences. कहाँ पहुँचे? पंग. अभी हम लोग पंग पहुँचे और यहाँ पे हो गए बंग. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जैकेट मारी जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा फट के हाथ में आ चुकी है गाइस. और आज हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे और मॉर्निंग में आप लोगों को दिखाऊँ कैसी जगह है.
और जगह तो क्या, यहाँ पे 5-6 होटल्स हैं, सबसे बेस्ट मुझे यही लगा, बाकी में तो इससे ज़्यादा हालत ख़राब थी, बट जो भी है ऊपर वाले का शुक्र है, और इससे हम लोग राइड कर नहीं सकते थे, सो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप ले लिया। इंटरनेट तो छोड़ो, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, सो आज हम लोग विदाउट नेटवर्क है, पता नहीं अब नेटवर्क कब मिलेगा, ये लोग बोल रहे हैं 180 किलोमीटर्स के बाद मिलेगा, सो चलते हैं एंड देखते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, सो ऐसी कुछ जगह है जो मैं आप लोगों को रात में बताई थी, पंग फुल पहाड़ों के बीच में, जैसे कि हम लोगों ने स्टे लिया था भूत कारबू में, आप लोगों ने देखा था भूत कारबू में सिर्फ पहाड़ थे और कुछ भी नहीं था, एटलीस्ट यहाँ पर 4-5 होटल्स है, भूत कारबू में तो सिर्फ एक ही था, तो ऐसा कुछ व्यू है, लोगों की गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, और नेटवर्क तो है नहीं, आई डोंट नो अभी आज भी हम लोगों को नेटवर्क मिलेगा नहीं मिलेगा। ये आंटी कैब हम लोगों ने स्टे किया था और फना फिल अभी भी सो रहा, उठने के बाद कंटिन्यू करेंगे। सो रहा है गाइज, बहुत ज़्यादा ठंड है, आप लोग शायद मेरे मुँह से दिख रहा होगा, किसी की भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, हम लोगों की गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही, आंटी ने बोला कि जाके एक बार चेक कर लो, लकीली मैंने 3-4 बार चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और स्टार्ट हो गई, थैंक यू वेरी मच, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा हो जाता गाइज, बहुत बड़ा, जो भी है जैसा भी है अच्छा है। फना फिल्ला इज हियर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो पता नहीं है, पानी देखो बर्फ बन चुका है, यहाँ पे पूरा बर्फ बन चुका है, तो सोचो कितनी ठंड थी यहाँ पे और कितनी ठंड अभी भी हम लोग लग रही है, लाइफ में अगर मौका मिले तो इन सब जगहों पर आना ज़रूर, और enjoy your life and give yourself a different experience every time. So bye. अभी हम लोग वापस जा रहे हैं बिकॉज लास्ट टाइम की तरह जैसे अपने फना फिल्ला भाई ने एयरपोर्ट छोड़ दिए थे, इस बार मैंने मेरी आई वॉच और मेरे ग्लासेस रख दिया, आई मीन जब मैं आप लोगों को बर्फ दिखा रहा था तो मैंने ऊपर रखा था और मैं भूल गया, सो हम लोग अभी रिटर्न जा रहे हैं, एंड आई होप मिल जाएगा क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं आए थे हम लोग, मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर ही आया था, मुझे याद आ गया लकी ने यहाँ पर छोड़ा था मैंने मेरा ग्लास और वॉच, 2 मिनट यहीं पे हैं, मिल गया। आज का दिन तो स्टार्ट हो चुका है और अभी स्टार्ट होते ही थोड़ी सी दूरी पे आने के बाद आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है, तो वो साइड भी ट्रक्स रुकी है, यहाँ पे भी ट्रक्स रुकी है, और थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और क्या, और वैसे तो ये ट्रिप पे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट्स में पूछा है कि भाई आप लोग कोविड में घूम रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, एंड देन दानिश का जो मैंने बताया आप लोग गाड़ी को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, गाइज मैं रियली थैंक यू बोलना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिल बडी, देन बिनोमो, देन टू फना फिल्ला जिसने इतनी ड्राइव किया है कि मैं बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे रास्ते थे जहाँ पर हम लोगों को एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद निकल भी नहीं पाएंगे, ट्रक्स बड़ी बड़ी ट्रक्स अटक गई थी मगर फना फिल्ला ने वेरी बिल्ला होते हुए निकाल लिया, और a huge 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 thanks to Binomo, so jao jaakar ek quick brief dekho Binomo ka and make sure you guys earn a lot of money and earn a lot of happiness and memories in your life, so okay guys, so jaise ki aap log dekh sakte ho ye hai Binomo app aur यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो बिनोमो का मेन इंटरफेस, मेरा रियल अकाउंट बैलेंस है 41,164, अभी हम लोग मेन्यू में हम लोग के पास ऑप्शंस है बैलेंस, बोनस, सपोर्ट, और बैलेंस आपको दो ऑप्शन मिलेंगे मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉ फंड्स का, सो आप लोग देख सकते हो गाइज, अगर आप लोग न्यू हो तो मेक डिपॉजिट करके आप लोग आपके अकाउंट में बैलेंस डिपॉजिट कर सकते हो एंड ट्रेड करके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पैसे अच्छे खासे अर्न किए हैं तो यू गाइज कैन विड्रॉ फंड्स, आपके पास विड्रॉ फंड का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो बहुत ईजी है, देन इनका टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम है विच इज़ 24/7, सो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे चैट कर सकते हो, जो भी आपको क्वेरी है इनसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो डायरेक्टली। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाकर
हमारा 7000 का इन्वेस्टमेंट, और येलो लाइन क्रॉस होने से पहले मुझे प्रेडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर ट्रेड करेगा या नीचे, और मुझे लगता है कि ग्राफ ऊपर ट्रेड करेगा। सो गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने मेरा प्रेडिक्शन कर दिया है कि ग्राफ ऊपर ट्रेड करेगा। सॉरी फना फिलहाल मैं तुमसे पूछ नहीं पाया, मैंने मेरा दिमाग चलाया, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, फिंगर्स क्रॉस। एंड गाइज, मेक श्योर जब भी आप लोग बिनोमो पर ट्रेड करो उससे पहले अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लो। अरे ऊपर 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 ऊपर, इनका डेमो अकाउंट है सो डेमो, अरे नीचे जा रहा ऊपर आ, बस बस ऐसे ही रहना। सो प्लीज़ मेंटेन दिस ऐसे ही रहना। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो ये रेड लाइन से पहले ऊपर ही ऊपर, अरे हाँ बस मेंटेन दिस। और गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने रेड लाइन क्रॉस कर लिया है, हम लोग यहाँ पे अर्न किया है 12,250 रुपीज। सो वही, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे लैंडस्लाइड में फंसे हम लोगों ने यहाँ पर 12,810 रुपीस बिनोमो के थ्रू अर्न किए। तो मैं आप लोगों को बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने बिनोमो ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो वेट किस चीज़ की कर रहे हो गाइस। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, कॉमेंट सेक्शन में उसको मैंने पिन भी कर दिया है, जाओ जाकर बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो एंड मेक श्योर यू गाइज यूटिलाइज दैट मनी, आई मीन अर्नड मनी इन अ प्रॉपर वे। ट्रैवल करो, कुछ भी करो, जो करना है करो एंड एन्जॉय योर लाइफ। सो Thank you, Binomo. We were more alive than unlike. Months of rain and chest pain. What's the plan? Heavy breathing, stay insane. Now grab my hand. Everything is great. Inside this narrow maze, everything has lost its taste. आप लोग देख सकते हो ये ऐसे वेट करना पड़ता है जब गाड़ियां आ रही होती है, बिकॉज ये वन वे है तो बहुत टेक केयर करना पड़ता है। कितनी हैवी गाड़ी आप लोग देख सकते हो। आई होप अभी कोई यहाँ पे ट्रक ना आए, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लोग एक्चुअली सिर्फ खाडूंगला ही गए थे बिकॉज ऑफ टू रीजंस। सबसे पहला रीज़न ये था कि खलफान भाई की डैडी की तबीयत खराब थी तो हम लोग खाडूंगला से ज़्यादा आगे जा नहीं सकते थे। उनकी डैडी की तबीयत खराब थी हम लोगों को पहले ही पता चल गया था, तो भी हम लोगों ने उनको बोला कि एटलीस्ट इतना दूर आए हो तो खाडूंगला देख कर जाओ, बिकॉज वो लाइफ में उनका फर्स्ट टाइम था। और देन उसके बाद हम लोग सोचा था, हम लोगों ने नूबरा पैंगोंग तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप लोग जानते हो कि आप लोग जानते हो कि चाइना ने ऑलमोस्ट 32,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इंडिया से ऑक्यूपाई कर लिया है, तो पैंगोंग में अभी काफ़ी हद तक आर्मी तैनात है तो हम लोग वहाँ पर जा नहीं सकते थे। एंड देन नूबरा और हम दोनों का अकेले नूबरा सब जाने का कोई मतलब बनता ही नहीं था बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड थी और खलफान भाई के जाने के बाद मन भी नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स गो बैक। और हम लोगों ने सोचा कि रोहतांग पास से निकलेंगे, मगर पंग में पहुँचते ही हम लोग बंग हो गए। आप लोगों ने देखा होगा पूरा बंग हो गए थे हम लोग। सामने से जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था ट्रक आ चुकी है, फिर भी इट्स ओके, अच्छी खासी मिट्टी है साइड में तो हम लोग चल सकते हैं। सो गाइज, ऐसे कुछ खतरीले रास्ते हैं, पथरीले रास्ते हैं, और अगर आप लोग आ रहे हो मेक श्योर थोड़ा सा काम रहना, नशा वशा नहीं करना, और मेक श्योर थोड़ा सा सेफ्टी पर ध्यान रखना, हमेशा अपने साथ स्टॉक रखना खाने का पीने का एवरीथिंग, बिकॉज बहुत ज़रूरी है ये सब रास्ते में। अभी आप लोग यकीन नहीं मानोगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 किलोमीटर तक आपको कुछ भी नहीं मिलता है, मैगी तो बहुत दूर की बात है, आपको पानी भी नहीं मिलेगा। सो अगर आप लोग ऐसा कुछ आ रहे हो आना ज़रूर, बिकॉज ये लाइफ का एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। क्या बोलते हैं फना, सही आना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये लाइफ का बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ये सब आप लोगों को लाइफ में आई थिंक मुंबई में दिल्ली में या कोई भी बड़ी सिटीज़ में देखने नहीं मिलेगा। जो हम लोग लोनावला ये सब सोचते हैं वो सब तो कुछ भी नहीं है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, आई कैन से 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी तक कि हम लोगों ने मेरे हिसाब से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1,000 से ज़्यादा पहाड़ियाँ यहाँ पर हम लोगों ने क्रॉस कर ली है, किए कि नहीं किया भाई। Don't be a gama in on the land of lama. So guys, अभी हम लोग पहुंचे हैं सरचू, ऑलमोस्ट 3 घंटे ड्राइव करने के बाद और बहुत थक गए। मॉर्निंग के कुछ 11 तो आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा ठंड है अभी भी, इतनी धूप में भी ठंड लग रही है, और सरचू कुछ ऐसे है।
away. Bye. Bye. Heaven breathe, stay insane. Now grab my... तो यहाँ पे फिर आपका खाना पीना कैसे चलता है? और रहते कहाँ पे आप लोग? अच्छा, सामने टेंट बना हुआ अंकल। अभी खाना आना कैसे आप लोग ही बनाते हो कि ऐसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से? भी आसपास के लोग हैं सब उधर ही आते हैं। एक जगह बनता है तो वो खाना बनाने वाले लोग अलग ही है। सही है, थैंक यू अंकल। आप लोग तो हम लोग आ जा पाते हैं यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। ये लो आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग हम लोग आ जा पाते भाई यहाँ से, नहीं तो यहाँ के रास्ते तो ऐसे कि हम लोग कभी साला जिंदगी में गुजर नहीं पाए। हम लोग मुंबई के। सो हमारे गैजेट्स ऐसे कुछ काम आ रहे हैं यहाँ पे। लो इसको सर पे लगाने के लिए। लगे गए अंकल। चार दिन से रुके यहाँ पे, ट्रक का एक्सल टूट गया है और नया एक्सल आपने कहाँ से लाया अंकल? मनाली से, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी तो सोचो चार दिन से ट्रक है यहाँ पे, दूर दूर तक ना कोई सर्विस सेंटर है ना कुछ है। बेचारे लोग चार दिन से यहाँ पे अटके हुए हैं। सीरियसली इतना इजी नहीं है बट स्टिल इट्स एडवेंचर और इन लोगों का तो काम है। हम कुछ भी बोलो, मुझे अंकल की पैंट्स बहुत ज़्यादा कूल लगी है, इंडियन आर्मी की। इसके लिए अंकल ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग लेकर लेकर पहन सकते हो। सो इसमें की 10 पीस तो मैं कर लूँगा ज़रूर। फटाफट लग कितना लेगा? मैं तो एक दो ही लूंगा बस पहनने के लिए। पानी भी पियो और ये फ्रूट्स भी है अपने को रखो। है हम लोग के पास है बस। वेलकम। चलो अंकल हो जाएगा ना आज तो काम, ये पूरा कोशिश पूरी है। चलो ठीक है भाई। अभी तक तो मैं ठंड ठंड बोल रहा था और अब ठंड का नज़ारा आप लोग देखो। ये जो गाड़ी में से पानी गिरता है ये बर्फ बन चुका है, तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि कितनी बर्फ है यहाँ पे, आई मीन कितनी ठंड है यहाँ पे। सो ये आप लोग देख सकते हो, ये है अटल टनल जो कि अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ है। ये 3rd of September को इनॉग्रेट होगा बाय प्राइम मिनिस्टर। सो अभी हम लोग यहाँ का रूट नहीं ले सकते हैं, हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। I hope you guys enjoyed this video. If you guys did, make sure you subscribe to this YouTube channel. And we will see you guys in the next video. Till then, stay sexy, baby. Fun bro forever. Peace out. So he fam bro, what's up, fam bro? सो गाइस जैसे कि तुम देख सकते हो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ से वहाँ अपने वीडियोस के लिए। सो आई होप लोगों को वीडियो देखने मज़ा आ रही होगी, और अगर मज़ा आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर सबको बोलो, अपने फ्रेंड्स को, ट्यूशन फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड को, क्लासेस फ्रेंड को, अपने आजू बाजू वाले को, अपने नेबर्स को सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सो वही सो गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेक्सी बेबी। बाय फैम ब्रो।